गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि बापू जी की कुटिया के तीन भाग हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि बापू जी का अलमारी जिसमें जो है पहले खाने में और दूसरे खाने में भूखे रखी हुई थी और किताबों के आगे एक एल्यूमिनियम का डब्बा रखा जिसमें सुपारी और तीन प्रसिद्ध बंदर थे। उसी अलमारी में थी सुप्रसिद्ध बंदर थे जो इस शून्य वातावरण से क्या हो रहे थे, घबरा रहे थे। तो जैसा कि बापू की मृत्यु को सुनकर पहले बंदर ने जो हमेशा के लिए अपने कान क्या किया, बंद कर लिया और आंखों को, दूसरा जो बंदर है आंखों को अपनी तलहटियों से छिपाकर रो रहा था और एक बंदर जो तीसरा बंदर है वो मुंह पर हाथ रखकर कह रहा हो कि अब हम आपको दोनों क्या बोलेंगे। जो बोलने वाला था व्यक्ति वो तो हमेशा के लिए इस बिस्तर को छोड़कर चला गया। इस तरह से और तीनों बंदरों के जो बगल में एक चिकने पत्थर था जिस पर लिखा हुआ था प्रेमी भगवान है। यहाँ तक हमने पढ़ा और चटाइयाँ जो उनके जो कुटिया थी उसमें एक उनमें चटाइयाँ थी जिस पर देश विदेश से लोग आकर बैठा करते थे और बापू जी की बातों को सुना करते थे। वचनामृत मतलब वचन के अमृत का पान किया करते थे। तो बापू जी की इस कुटिया में तीन भाग थे। बापू जी की कुटिया के कितने भाग है, तीन भाग है। एक भाग में जहाँ पर लेखक बैठा हुआ है वहीं पर ही बापू जी रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ है, सिमटा हुआ रखा है। उसके बीच में बीच भाग में एक कोठरी जिसमें एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। उस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू जी की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। मतलब बापू जी की तीन भाग है जिसमें एक भाग पर जो महात्मा गांधी जी रहते थे और बीच वाले भाग में जो अमृत कौर रहती थी, राजकुमारी अमृत कौर रहती थी जो उनकी सेवा करती थी। तीसरे भाग में बापू जी का स्नानागार है। जो तीसरा भाग है उसमें बापू जी का स्नानागार है। वो इसके तीसरे भाग में बापू जी का स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता, बापू अपने कमरों को अपने हाथों से हाथों कैसा साफ रखते थे। मतलब कि उनकी सफाई और स्वच्छता बहुत अच्छी थी और वो अपने हाथों से ही उसकी सफाई करते थे। उसकी सफाई के लिए वो क्या इस्तेमाल करते थे, उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश और फिनाइल की शीशी है। कमरों के आगे कमरे में पानी की बाल्टियां, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि हैं। कमरों के आगे जो कमरों में मतलब पखाना था उसके आगे पानी की बाल्टियां रखी हुई थी, लोटे और मिट्टी के बने हुए हंडे यानी बड़े बड़े बर्तन। इस भाग के दो हिस्से हैं, यानी स्नानागार के कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। एक में शौच और स्नान के सामान है, दूसरे में एक चौकी है और कुछ तख्ते हैं। मतलब कि स्नानागार के दो हिस्से हैं जिसमें एक पखाना है, टॉयलेट है और स्नान करने के लिए है सामान, नहाने के लिए सामान है और दूसरे में एक चौकी है। चौकी मतलब उसके बैठने के लिए होती है, लकड़ी की होती है और कुछ तख्ते हैं। तख्ते मतलब वो पलंग की तरह बना होता है, वो लकड़ी का पूरा ही लकड़ी का होता है। बापू के शरीर पर जो यहीं पर तेल की मालिश की जाती थी, जहाँ पर चौकी और तख्ते रखते थे वहीं पर ही बापू जी के तेल की मालिश की जाती थी। बापू जी की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बापू की जो कुटिया है उसके अंदर रखी हुई प्रत्येक वस्तु को मैं क्या कर रहा हूँ, अपलक बिना पलक झपका हुए देख रहा हूँ और उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। बांस की और लकड़ी की बनाई हुई है कुटिया। यह कुटिया कैसी है, बांस की और लकड़ी की बनाई हुई है। बांस जानते हैं, बांस घास होती है, लंबी लंबी होती है और
खपरेल जो है वो मिट्टी का होता है, उसको मिट्टी को भून कर उसका शेप दिया जाता है खपरेल का और फिर उसको पकाया जाता है, तो इस तरह से खपरेल बनता है। तो खपरेल यानी जो कुटिया के ऊपर खपरेल रखा होता है, दीवारें बांस की हड्डियों की हैं जिन पर चटाइयां लगाकर ऊपर से मिट्टी से खोद दिया गया है और फट्टियां बांस की फट्टी लगाकर फिर उस पर मिट्टी से उसे मिट्टी उस पर लगा दी गई है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी उस कुटिया पे किसी भी प्रकार का चूना या किसी भी तरह का रंग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कुटिया बांस और लकड़ी की बनी हुई है, उस पर बांस की फट्टियां लगी हुई है दीवारों पे और जो फट्टियों के ऊपर भी मिट्टी लगाई गई है, उसको चटाई लगाई गई है, चटाई के ऊपर मिट्टी का लेप दे दिया गया, उस पर कोई कलर नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियां काफी है, यानी जो कुटिया है दरवाजे और खिड़कियां काफी है। काफी है मतलब कि जरूरत से इतनी है जितनी आवश्यकता होती है, उसमें हवा और रोशनी की कमी नहीं है, मतलब जितनी जरूरत है उतनी है, हमें उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है कि हमें हवा लेने में या रोशनी की कोई तकलीफ हो। इस तरह से वो कुटिया की जो है विशेषता बताता है, लेखक कुटिया की विशेषता बताता है, उसकी बनावट बताता है और होता है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उसमें वायु और प्रकाश की पूरी तरह से आवाज आ रही है। इस तरह से हमने ये चैप्टर खत्म किया और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके लेखक रामकृष्ण वेलुपुरी, पति चंद्र देखने के द्वारा गांधी जी उनके विचारों को
इससे को उन्होंने लेखक ने गौरवशाली बताया और उसकी जो है ऋषिया वो स्वर्ण सिंहासन भी उनकी उसके विश्व के जो क्या करता था ऋषिया करता था उस विश्व से। गांधी जी की सेल्फ में कौन कौन सी पुस्तकें थी? गांधी जी की सेल्फ में पहले खाने में सौर ऊर्जा थी, जोड़नी कोश, रिटिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईशा और साइडन और श्रीमद भगवद गीता। दूसरे खाने में रामचंद्र मानस, श्री स्वास्थ्य विधि, भजन आश्रम भजनावली और गीता भाई की तारी। इस तरह से टोटल आठ पुस्तकें थी। बापू जी की कुटिया में आकर लेकर अपने आप को सौभाग्यशाली